उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैश्व मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर पौड़ी से। विकास भवन सभागार पौड़ी में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में आज जिला सैनिक परिषद पौड़ी गढ़वाल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के पूर्व सैनिकों तथा आश्रितों की समस्याओं का निवारण तथा उनके लिए चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। जनपद में दोनों सैनिक कल्याण कार्यालय पौड़ी और लेसीडाउन के इतिहास के बारे में बताया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि दोनों कार्यालयों में लगभग 30,000 पूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं, वीरांगनाएं तथा आश्रित पंजीकृत हैं, जिनके कल्याणार्थ प्रयास किए जा रहे हैं। आयोजित बैठक में पेंशनरों को आ रही दिक्कतों के बारे में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि एरियर भुगतान को लेकर संगठन में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। संबंधित कार्यालयों ने 1,28,00,000 रुपये का सहयोग किया था, जिसमें पूर्व सैनिक और आश्रित को लाभ मिलेगा। इसमें कई तरह के लोगों ने अपनी बातें रखी। बिजली, पानी, सड़क परियोजना में जो भी दिक्कत आ रही थी उस पर उन्होंने अपनी बात की। डीएम साहब ने उनको सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पठानी और चौकी सैनिक के पूर्व सैनिकों के लिए शिविर आयोजित करना सुनिश्चित करने, शिविर का प्रचार प्रसार प्रतिनिधि भली प्रकार से कर ले। और उन्होंने कहा है कि CHSC के पैनल में मानकों के अनुसार ही सुझाव भेजे जा सकते हैं। कहा कि अधिकांश मांगे सड़क से संबंधित आई है, जिसका संबोधन कर लिया जाएगा। बैठक में कैनी सेनानायक अधिकारी पौड़ी मेजर कर्नल सिंह रावत और लेसीडाउन मेजर आनंद सिंह अपने कार्यालय में संपादित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। जनपद में वीर सैनिकों की कीर्ति एवं शौर्य से अवगत कराया गया। बैठक में सैनिक कल्याण अधिकारी पौड़ी मेजर कर्नल सिंह रावत जनपद के वीर सैनिकों के कीर्ति और सुरेख से अवगत कराया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी पौड़ी SS राणा, मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी DS राणा, सेवा योजना अधिकारी मुकेश रयाल, ब्लॉक प्रतिनिधि दरबान सिंह, सत्य सिंह, युगम्बर रावत, फतेह सिंह भंडारी, महिपाल सिंह रावत, गोविंद सिंह, सौरभ सिंह, वीरेंद्र सिंह नेगी, सुनील सहित आदि पूर्व सैनिक उपस्थित थे। देखिए हमारे सहयोगी जगम डांगी की खास रिपोर्ट। उसके वजह से और पंपिंग आवर्स कम करने की वजह से शुरुआती फेज में है, अभी हैंडओवर होने के बाद पंपिंग आवर्स बढ़ जाएगा। बाकी मैंने रिव्यू किया तो उन्होंने कुछ और टैंक्स बनाने का भी अनुरोध किया है, जो कि ओरिजिनल स्कीम में नहीं था। तो 2-3 टैंक्स का मैंने अनुमति दे दिया उनको, तो वो अभी बना रहे हैं। एक टैंक स्वीकृत कर दिया, घंडेल के लिए कर दिया है। वो आपके मैं गाँव में आया था, ग्राम में आया था। और भी योजना बहुत सारे लोग संज्ञान में आया है, मैं दिखवा रहा हूँ उसको मैं दिखवा रहा हूँ। और जनपद स्तरीय समिति के प्रतिनिधि आज उपस्थित हुए हैं। सभी को धन्यवाद। सभी ने अपना मूल्यवान समय इस बैठक के लिए दिया है। और बैठक में हमने आज बहुत बृहद विषयों पर चर्चा किया है। हमारे दो सैनिक कल्याण कार्यालय हैं, लैंसडाउन और पौड़ी। तो उनका इतिहास भी आपने जाना कि एक 1926 में बनाया गया है और एक 1954 में स्थापित कार्यालय है। और दोनों कार्यालय को मिलाकर हमारे जनपद में लगभग 30,000 सैनिक, पूर्व सैनिक पंजीकृत हैं, या उनकी सैन्य विधवाएं या वीर नारियां पंजीकृत हैं। उन सभी के कल्याणार्थ हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे विषयों पर आज चर्चा भी किया गया है। एक जो बहुत अच्छा उपक्रम किया गया, जिसमें पेंशनर्स का बारे में सूचना दिया गया, जिसमें आपने एरियर्स का भुगतान के लिए जो प्रयास किया है वो बहुत उल्लेखनीय प्रयास है। और आपने लगभग 1,28,00,000 रुपए का जो मेहनत करके जो प्रयास किया है उसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा, आप लोग भी, ब्लॉक प्रतिनिधिगण का ये बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व रहेगा, अपने क्षेत्र में जो आप बैठक करते हैं इसमें यही प्रकरण ढूंढ के निकालने हैं कि किसको क्या नुकसान हो रहा है, किसका एरियर ड्यू था, मिल नहीं पाया, कोई समस्या आ रही है, जो भी है, या अज्ञानतावश कहीं पे बैंक से भुगतान में वो समस्या है आकलन में, तो ये सारा जिम्मेदारी ब्लॉक प्रतिनिधि का होना चाहिए। इसीलिए जो है लैंसडाउन में स्थापना की गई थी। जब इनकी संख्या बढ़ गई तब जाके 1954 में एक एडिशनल जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पौड़ी में खोला गया। इसका एकदम संक्षिप्त इतिहास है। कार्य क्षेत्र है, इसमें इलाके में वापस आना शुरू किया, खेती वगैरह करना शुरू किया, लेकिन हमारी एक चिनाली सैंड चिनाली डांडा वाटर प्रॉब्लम है। और मेन घंडियाली इलाके में जिन्होंने कि
बहुत प्रयास किया था। उस इलाके में काफी एक सर्विसमैन भी और भी हैं जो सेटल हुए हैं और रिवर माइग्रेशन में काम, मैं खुद वहाँ पे काम कर रहा हूँ, उस योजना का अभी तक कोई फायदा नहीं मिला, इम्पैनल्ड नहीं है, तो एक सर्विसमैन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वैसे मैंने ECHS को बताया है कि वो अपने चैनल से केस टेकअप करें, बट थोड़ा सा पुश आपकी तरफ से भी हो जाएगा, शासन की तरफ से, तो आई थिंक इट विल मैटर। हाँ जी, मेरे ब्लॉक में 4 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहाँ पे प्रधान नहीं है, जिसमें मेरे को जब मैं भ्रमण पे जाता हूँ तो काफ़ी दिक्कत आती है सर। पिछला 1.5 साल हो गया सर, अभी तक नहीं उपचुनाव नहीं अभी उसका आप लोग ने ले ली थी जी, जी। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आज आर्मी के चीफ इस जनपद के होते हुए भी हम लोग कैंटीन के लिए रो रहे हैं। उस बिल्डिंग की आप हालत देखिए, जो बननी शुरू हुई थी अब टूटने की अवस्था में आ गई है। हमारे बुजुर्ग, हमें बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं फौजी लोगों को, 70-75-80 साल के बुजुर्ग लोग सड़क में खड़े रहते हैं बेचारे, अभी मई जून की धूप में। और अभी 2-3 साल पहले मैं पोस्ट ऑफिस में जब नीचे थी कैंटीन, वहाँ गया था तो एक बुजुर्ग को फेंटा गया था वो। तो हमारे यहाँ पैठानी है एक जगह, पैठानी के लोगों का भी कहना है कि वो एक शिविर हमारे यहाँ भी लगना चाहिए। और एक दूसरा पॉइंट ऐसा लग रहा है, और एक दूसरा पॉइंट है मेरा सर, एक थलीसैंण ब्लॉक में पीठसैंण एक जगह है जहाँ पर पेशावर के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा है, तो वहाँ पर केवल उन्हीं की प्रतिमा है बस लगी हुई। तो हमारे ब्लॉक थलीसैंण के पूर्व सैनिक का ये कहना है कि वहाँ पे जितने भी ब्लॉक थलीसैंण के आज तक शहीद हुए हैं आज़ादी से लेकर अब तक के, तो उनके नाम का एक शिलापट भी वहाँ पे। अधिकारी और पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं होती हैं उनके ऊपर चर्चा किया गया, प्रमुखता से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जो पंजीकृत 30,000 पूर्व सैनिक उनकी समस्या पर चर्चा किया गया है। जो पेंशन प्राप्त होता है उसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। एक उल्लेखनीय प्रकल्प जो है पौड़ी जनपद में अपनाया गया है जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से, उन्होंने लगभग 1,28,00,000 के एरियर्स पूर्व सैनिकों को और उनके जो वीर नारियां हैं उनको उपलब्ध कराने में मदद दिया, वो एक उल्लेखनीय कार्य मैं कहूँगा। और मैंने अनुरोध किया है कि सभी विकासखंडों में ऐसे प्रकरण प्रकाश में लाया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। साथ में कुछ ग्राम पंचायतों में जो वन आदि की समस्या आ रही है, कुछ सड़कों के निर्माण की जो समस्या है उन पर भी चर्चा किया गया है। दो प्रमुख बिंदु जो आज की बैठक में रखे गए थे वो था कि ACSH जो हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं उसमें और कुछ अस्पतालों को एम्पैनलमेंट करने का सुझाव कुछ सदस्यों ने रखा था, उस पर मैंने विचार करने का मैंने अनुरोध किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मानव का परीक्षण करते हुए उस पर विचार करेंगे। साथ में कैंटीन निर्माण को लेकर भी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और कैंटीन की सुविधा के लिए जो समस्याएं कुछ दुर्गम क्षेत्र के हमारे पूर्व सैनिकों को समस्या आती है उसको सुलझाने के लिए भी मैंने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से मैंने कहा प्रस्ताव बनाकर वो प्रस्तुत करेंगे, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। कुछ निर्माण कार्यों के लिए भी मांग किया जा रहा था कि कुछ निर्माण कार्य अति आवश्यक है, जिसमें कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का जो कार्यालय लैंडसडाउन में है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें कुछ मरम्मत की आवश्यकता है, तो मैंने DPR बनाने के लिए अनुरोध कर रखा है। और कुछ छोटा मोटा निर्माण कार्य के लिए मैंने कहा कि आप जिला योजना प्रस्ताव उसको रख दीजिएगा, हम उसका स्वीकृत करा लेंगे। जयत्रानंद, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिनू ते से की समाली लावा, ए जावा ए जावा।